किसानों के आंदोलन के बीच किसानों के लिए किसान रेल की ये 100वीं सौगात है। 100वीं किसान रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और चल पड़ी किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार की ओर। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई है। इस 100वीं किसान रेल के जरिए संगोला के अनार बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, नागपुर के संतरे बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, बेलवंडी कोपरगांव का खरबूजा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर पहुंचेंगे, महाराष्ट्र की फसलें पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में बेची जा सकेंगी, पूर्वोत्तर और बंगाल की फसलें महाराष्ट्र की मंडियों में बेचा जा सकेगा। इस किसान रेल में कई खासियत है, पहले वो समझिए। किसान रेल में रेफ्रिजरेटेड कोच लगे हैं, ट्रेन के कंटेनर फ्रिज की तरह है, किसान रेल चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज है, ट्रेन में जल्दी खराब होने वाले फल सब्जी रख सकते हैं। किसान रेल की एक और खास बात है, ये किसान रेल एक प्रकार से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज भी है, यानी इसमें फल हो, सब्जी हो, दूध हो, मछली हो, यानी जो भी जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं वो पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। पहले यही सामान किसान को सड़क के माध्यम से ट्रकों में भेजना पड़ता था। सवाल यह है कि किसान रेल की जरूरत क्यों पड़ी, इसके फायदे क्या हैं? समझिए इसे। किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बेच सकता है, बंगाल में मछली सस्ती है तो किसान महाराष्ट्र में मछली बेच सकता है, किसान को किसान रेल के किराए में 50% की छूट मिली है, ट्रेन से फसल भेजने की कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। कई बार हम खबरें देखते हैं कि कुछ वजहों से जब टमाटर की कीमत किसी जगह पर कम हो जाती है तो किसानों का क्या हाल होता है। अब हमारा किसान अपनी उपज देश के उन हिस्सों तक पहुंचा सकता है जहां पर टमाटर की मांग ज्यादा है, जहां उसे बेहतर कीमत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के किसानों को संदेश दिया कि किसानों के लिए मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और नियत बिल्कुल साफ। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। आपको बता दें कि ऐसी पहली किसान ट्रेन 7 अगस्त को महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर स्टेशन तक जाती है और अब किसानों के लिए ये 100वीं किसान रेल किसानों को बेहतरी की ओर ले जाने वाली ट्रेन बनी है। आज तक बेरोज।